आज मैं लाई हूँ खट्टी मीठी खजूर और इमली की चटनी। बहुत ही आसान तरीके से बिना इमली को पकाए मैंने ये चटनी बनाई है। ये चटनी चाट में, पानी पूरी में या इसे आप स्टोर करके रखें और रोटी या पराठा के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं आसान सी खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी। मैंने यहाँ पे पानी अच्छी तरह से उबाल लिया है और ये रहा इमली। इमली मैंने यहाँ पे काली वाली इमली ली है, इसके जगह पे आप नॉर्मल इमली भी ले सकते हो। ये थोड़ी ज़्यादा खट्टी होती है, इसलिए अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखें। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप इमली लिया है और 2 ग्लास पानी को उबाल कर उसे इमली को भीगने के लिए आधे घंटे के लिए रख दिया। और मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सीडलेस खजूर। अब इस खजूर को हम मिक्सी जार में रखकर थोड़ा सा पानी रखें और इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। हमने खजूर की पेस्ट रेडी कर ली है, तो देखिए आधा घंटा भी हो गया है। आप देख सकते हो कि इमली बहुत ही अच्छे से फूल गई है। अब इसे अच्छी तरह से हाथ से या फिर आप किसी भी मैशर, जो पोटैटो मैशर होता है, पाव भाजी मैशर, देखिए ये वाला, इससे भी आप मैश कर सकते हो, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हो। इसे अच्छी तरह से इसका गूदा मैश कर लें। देखिए मैं यहाँ पे हाथ से भी कर रही हूँ और इसमें का जो भी पल्प है वो सारा पानी में आ जाएगा। अब एक छन्नी की मदद से इमली के पानी को छान लें। इमली को बिना पकाए आप इस तरह से आसानी से ही इमली का जो पल्प है वो आप निकाल सकते हो। देखिए छानने के बाद इतना ही इसका ये कचरा निकला है और हमारा इमली का पानी रेडी हो गया है। अब एक पैन में मीडियम फ्लेम पर इमली का पानी रखें। इसके साथ मैं रख रही हूँ खजूर का पेस्ट। खजूर और इमली के पानी को मिक्स कर दिया है। अब मिक्सर में थोड़ा सा पानी रखकर जो बचा हुआ खजूर का चटनी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ खट्टे और मीठा बैलेंस रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप गुड़। अब गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक आपको इसे लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मुझे इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हो कि ये हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। अब इस टाइम पे हम रखेंगे स्वाद बढ़ाने के लिए 1 छोटा चम्मच सौंफ। आप चाहे तो सौंफ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आप इसकी जगह पे सादा नमक का भी यूज़ कर सकते हो, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लें। इसे हल्का सा तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है मिर्च पाउडर और 2 चम्मच चीनी। चीनी रखने से गुड़ में भी हल्का सा थोड़ा जो खटास रहता है वो चीनी रखने से पूरी तरह से निकल जाता है। अब इसे परफेक्ट टेक्सचर आने तक मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए पकाएं। देखिए मुझे इसे पकाते हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं लगातार, और आप देख सकते हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होते जा रही है। तो ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जहाँ पे आप गैस बंद कर दें। मैं यहाँ पे चटनी को छान रही हूँ क्योंकि थोड़े से अगर गुड़ के पीस या कोई भी पीस थोड़ा रह गया है तो वो अच्छे से निकल जाएगा और हमें स्मूथ टेक्सचर वाली इमली की चटनी मिलेगी। देखिए छानना है मैंने और जो सौंफ था, सौंफ की भी जो टेस्ट है वो सारी चटनी में आ गई है और सौंफ भी साइड हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्मूथ टेक्सचर। देखिए Thank you.
हमारी स्मूथ टेस्टी इमली की चटनी रेडी हो गई है। और आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में रखकर 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हो।